इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और मौजूदा सीएम सीएम भूपेश बघेल आमने सामने आ गए। कोल ब्लॉक के परिवहन के मामले को लेकर जमकर विपक्ष ने आरोप लगाए हैं और इस मामले में घोटाला होने धांधली होने की बात कही है। दरअसल ये पूरा जो मामला है ये जुड़ा हुआ है गारे पलमा कोल ब्लॉक से। ट्रांसपोर्ट के लिए निविदा का मुद्दा उठाते हुए विधानसभा की कमेटी में इस मामले की जांच की मांग पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने की है। उन्होंने रायगढ़ कोल ट्रांसपोर्टेशन के रेट और टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाया। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि परिवहन के लिए 232 रुपए का रेट आया था तो दोगुने रेट में कोल परिवहन की अनुमति इसमें दी गई है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक निविदा की प्रक्रिया पूरी की गई है। रमन सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि निविदा में गड़बड़ी करके हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। रमन सिंह ने कहा कि 2012 की दर और अभी की दर पर खुली चर्चा करा लीजिए, जिस पर सीएम ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी है, किसी तरह की जांच की कोई जरूरत नहीं है। इस पर सदन में जोरदार हंगामा होता रहा, पक्ष विपक्ष में नोकझोंक होती रही। भाजपा विधायक सदन के विधायकों की जांच कमेटी की जांच पर लगातार अड़े रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज कोयले का मुद्दा जोर शोर से उठा। पूर्व सीएम रमन सिंह ने गारे पलमा कोल ब्लॉक में ट्रांसपोर्टेशन का मुद्दा उठाया था। हमारे साथ पूर्व सीएम रमन सिंह, उनसे बात करेंगे। सर, आपने जो विषय उठाया था, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या विषय है और क्या किस तरह का भ्रष्टाचार इसमें हुआ? छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के द्वारा जो गारे पलमा कोल ब्लॉक है उसके ट्रांसपोर्टेशन के मामले को लेकर और विषय आया था। और जो इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इसके टेंडर की प्रक्रिया में जो दोष है और टेंडर की प्रक्रिया में जो निविदाकार होते हैं वो मिनिमम कम से कम 3 निविदाकार होने चाहिए, मगर सिर्फ इसमें 4 लोगों ने निविदा भरा, 2 लोगों की डिस्क्वालीफाई हो जाए, 2 निविदाकार ही बच गए और उन्हीं को ही उनके बीच ही बिडिंग कराया गया। और मुझे लगता है कि ये पूरी प्रक्रिया में जो प्रक्रिया अपनाई गई है 2 कंपनी होने की वजह से मैंने आग्रह किया कि इसमें इस प्रक्रिया को निरस्त करके रीटेंडर की प्रक्रिया की जाए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय था इसमें कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक क्लियर कट गाइडलाइन है और ये गाइडलाइन SECL साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का काम और टेंडर की प्रक्रिया करती है, उन्होंने एक गाइडलाइन निकाला और एक नोटिस उन्होंने जारी किया जिसमें रेट के संबंध में कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में कितना रेट रहेगा, तो 10 से 20 किलोमीटर के बीच में उनका रेट है 116 रुपया और इन्होंने जो टेंडर किया है वो 40 किलोमीटर किया है। तो यदि 116 रुपया 20 किलोमीटर के लिए है तो 40 किलोमीटर के लिए 232 होना चाहिए। और इन्होंने जो कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए घरघोड़ा रेलवे साइडिंग से 460 रुपया प्रति मैट्रिक टन के दर से कोल का ट्रांसपोर्टेशन दिया, तो कुल मिला के मेरी आपत्ति ये थी कि यदि SECL द्वारा 20 किलोमीटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए 116 रुपया प्रति मैट्रिक टन देने की बात है और आप इसमें 250 रुपया प्रति टन एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टिंग का कास्ट दे रहे हो जबकि वहाँ की स्थानीय कोल ट्रांसपोर्टेशन में लगे हुए लोग SECL के बताए हुए गाइडलाइन के दर पे काम करने की जरूरत है। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोल ट्रांसपोर्टेशन में राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर घोटाला किया है और उन्होंने तथ्यों के साथ इसको उठाया था, लेकिन इसकी जांच की मांग जो है वो सरकार ने ठुकरा दी है। अब देखना होगा विपक्ष इस मामले को कैसे उठाता है। कैमरामैन उल्कित के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, आईएनएस।